लगता है कि आपके इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स आपको पता है वो कहीं ना कहीं कम पड़ने लगते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हमें अपनी डिक्शनरी में नई वोकैबुलरी, नई ईडियम, नई फ्रेजल वर्ब्स को ऐड करते रहना चाहिए। आज का जो हमारा लेसन है वो इसी पे ही बेस्ड है। आज हम सीखेंगे 9 वर्ड्स जो पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। दिस इज नीलम मिश्रा फ्रॉम द बेशरम क्लास। विदाउट टेकिंग योर मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा पहला वर्ड है हॉट हेडेड। हॉट हेडेड का मतलब होता है गुस्सेल, जिसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। डोंट ट्राई टू मेस विथ हिम, ही इज हॉट हेडेड। उससे उलझने की कोशिश मत करो क्योंकि वो बहुत गुस्सेल है। नेक्स्ट वर्ड है बिग हेडेड। बिग हेडेड का मतलब होता है घमंडी, मीन्स arrogant. I don't like to talk to your friend because he is big-headed. मुझे तुम्हारे दोस्त से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वह घमंडी है। Next word is tight-fisted. Tight-fisted का मतलब होता है कंजूस। Don't expect him to pay the bill because he is tight-fisted. उससे उम्मीद मत करो कि वह बिल पे करेगा क्योंकि वह कंजूस। Next word है two-faced. Two-faced का मतलब होता है दुबले इंसान, जो कभी किससे कुछ तो कभी किसी और से कुछ और बातें करते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस इन आवर इंडिया आर two-faced. हमारे देश के ज्यादातर नेता दोगले हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है काफी पैसे होना, इसे हम धनी भी कहते हैं। ही इज वेल ऑफ टू अफोर्ड दिस कार। उसके पास काफी पैसे हैं इस कार को खरीदने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज लाइट फिंगर। लाइट फिंगर का मतलब होता है बेईमान। ही वॉज टर्मिनेटेड बिकॉज ही वॉज लाइट फिंगर। उसे जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वह बेईमान था। नेक्स्ट वर्ड इज अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड का मतलब होता है सुबह जल्दी उठने वाला। इसका एग्जाम्पल है माई मदर कम्प्लीट हर वर्क ऑन टाइम बिकॉज शी इज अर्ली बर्ड। मेरी मम्मा अपना काम समय पर कंप्लीट कर लेती है क्योंकि वह सुबह जल्दी उठती है। सभी लोग जो है अर्ली बर्ड नहीं हो सकते। कुछ लोग जो है रात में देर तक काम करते हैं या कुछ लोग जो है अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं रात रात भर जग के, तो उनके लिए कौन सा वर्ड होता है? उनके लिए होता है नाइट आउल। नाइट आउल का मतलब होता है रात में देर तक जगने वाला। इसका एग्जाम्पल है सोशल मीडिया मेड आर यंग जनरेशन नाइट आउल। सोशल मीडिया ने हमारी यंग जनरेशन को रात में जगने वाला उल्लू बना दिया है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है अब्सेंट माइंडेड। अब्सेंट माइंडेड का मतलब होता है भुलक्कड़। माय ग्रैंडमदर इज अब्सेंट माइंडेड बिकॉज ऑफ एजिंग। मेरी ग्रैंडमदर जो है बढ़ती हुई उम्र के कारण सब चीज भूल जाती। आई होप कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।